मूवी स्टार्ट होते ही हमें दिखाया जाता है कि जिक्सो का पोस्टमार्टम चल रहा होता है, क्योंकि थर्ड पार्ट में जिक्सो मारा गया था। डॉक्टर जिक्सो के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को निकालते हैं और जिक्सो के स्टमक से उन लोगों को एक टेप मिलती है, और ये वही टेप होती है जिस पर पार्ट 3 में जिक्सो ने वैक्स डाली थी ताकि वो इसे आसानी से निगल सके। ये इन्फॉर्मेशन पुलिस को दी जाती है और तब वहाँ पर डिटेक्टिव हॉफमैन आता है और वो टेप असल में उसी के लिए ही थी। हॉफमैन ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि जिक्सो की डेड बॉडी उसके सामने पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी मरते मरते उसने उसके लिए एक मैसेज छोड़ा है। उस टेप में जिक्सो ने हॉफमैन के लिए मैसेज छोड़ा होता है कि वो भी अब जिक्सो की गेम का एक पार्ट है। इसके बाद हम दो आदमियों को देखते हैं जो कि जिक्सो के ट्रैप में फंसे हुए थे। उनमें से एक के होंठों पर स्टिचेस लगे हुए थे और दूसरे की आंखों पर स्टिचेस लगे हुए थे, और ऐसा इसलिए किया गया था ताकि वो दोनों एक दूसरे से कोई भी बातचीत ना कर पाए। उन दोनों के गले पर चेन्स लगी हुई थी जो बीच में रखी गई मशीन से कनेक्टेड थी। वो मशीन चेन्स को रोल करते हुए अपनी तरफ खींच रही थी। इससे पहले कि वो दोनों उस मशीन में क्रश होकर मर जाएं, उन्हें उस ट्रैप से आजाद होना था, और उन दोनों के ट्रैप की कीज एक दूसरे के पीछे लगी हुई थी, यानी नेक के पीछे। अब जिस आदमी के होंठों पर स्टिचेस थे वो तो अपनी चाबी देख लेता है, लेकिन वो नहीं देख पाता जिसकी आंखों पर लगी हुई थी। यानी मतलब साफ था कि उन दोनों में से सिर्फ एक की ही जान बचती। अब उस एक आदमी को तो अपनी जान बचानी ही थी, तो वो अपनी चाबी लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन चाबी लेना कोई इतना आसान टास्क नहीं था, तो वो दूसरे आदमी को मारकर अपनी चाबी ले लेता है और खुद को आजाद कर लेता है। अब पुलिस ऑफिसर्स जिक्सो की लोकेशन पर जाते हैं जहाँ पर वो पहले हुआ करता था, और उनमें एक सीनियर डिटेक्टिव जिसका नाम रिज होता है। वहाँ पर उन लोगों को डिटेक्टिव एलिसन की डेड बॉडी मिलती है जो पार्ट 3 के स्टार्ट में ही मर चुकी थी, लेकिन स्टिल उसकी डेड बॉडी उसी ट्रैप पर लटकी हुई थी। फिर हम दो सीनियर डिटेक्टिव्स को देखते हैं जिनमें एक मेल और दूसरी फीमेल होती है। अब क्योंकि एलिसन भी डिटेक्टिव थी तो वो दोनों उसे जानते थे, और वो दोनों यहाँ पर जिक्सो का केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए ही आए थे। मेल सीनियर एजेंट काफी समझदार होता है और वो समझ जाता है कि जिक्सो और अमेंडा का ट्रैप नहीं है, क्योंकि इतनी ज्यादा हाइट वाला ट्रैप वो नहीं लगा सकते। यानी मतलब साफ था कि उन दोनों के साथ कोई और भी मिला हुआ था। सेम नाइट डिटेक्टिव रिच के घर में उसके ऊपर कोई पिग मास्क पहना हुआ पर्सन अटैक कर देता है, और जब वो सेंसेस में आता है तब वो देखता है कि वो अपने घर के ही बाथटब में है, और वहाँ पर जिक्सो का मैसेज प्ले होता है, और उसे पता चलता है कि वो भी अब जिक्सो की गेम का एक पार्ट है, और उसे कहा जाता है कि सिर्फ 90 मिनट्स में उसने एरिक और हॉफमैन जो कि अब ट्रैप में फंसे हुए थे और इवन के खुद को भी उसने बचाना था, एरिक जो कि अभी भी जिंदा था। अमेंडा ने उसे मरने के लिए वहाँ पर छोड़ दिया था, लेकिन जिक्सो ने उसे बचाकर तकरीबन 6 माह से उसे वहाँ पर कैद किया हुआ था। अब रिच को उन दोनों तक पहुँचने के लिए कुछ टेस्ट पास करने होंगे। उसका पहला टेस्ट उसके अपने घर में ही होता है। वो एक रूम में देखता है कि एक लड़की पिग मास्क पहने हुए एक चेयर पर बैठी हुई है। उस लड़की के हाथ में एक टेप रिकॉर्डर भी होता है, और वॉल पर लिखा हुआ था सी व्हाट आई सी, यानी वो देखो जो मैं देख रहा हूँ। जैसे ही रिच उस लेडी के पास जाता है, जिक्सो का मैसेज प्ले होता है कि बेशक उस लड़की को हेल्प की जरूरत है, लेकिन उस लड़की की हेल्प करना रिज का काम नहीं है, और रिज के लिए बेहतर होगा कि वो उसे ऐसे ही ट्रैप्ड करके वहाँ से चला जाए। और इसकी वजह ये भी थी क्योंकि उस लड़की ने अपनी पर्सनल लाइफ में काफी क्राइम्स भी किए हुए थे। अब जिक्सो तो उसे पहले ही हिंट दे चुका था कि वो देखो जो मैं देखता हूँ। यहाँ पर हमें रिज की नेचर के बारे में पता चलता है कि वो लोगों को सेव करने में काफी ऑब्सेशन था, और इस ऑब्सेशन में चाहे उसे नुकसान ही क्यों ना उठाना पड़े। और वो उस लड़की के पास आता है, और जैसे ही वो उसका मास्क हटाता है तो वो डिवाइस एक्टिवेट हो जाती है, और देखते देखते उस लड़की की स्कल बाहर आने लगती है। तब रिज किसी न किसी तरह उसकी जान बचा लेता है, लेकिन बदले में वो लड़की रिज पर अटैक कर देती है, क्योंकि उसके पास जो टेप रिकॉर्डर था उसमें जिक्सो ने उसके लिए मैसेज दिया हुआ था कि रिज उसे पकड़ने आ रहा है, और कैद से बचने के लिए उसे रिज को मारना होगा। लेकिन अपने जान बचाने के लिए रिज उसे मार डालता है और अपने अगले टेस्ट की तरफ बढ़ता है। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर्स रिज के घर में पहुंच जाते हैं, और वहां पर उन लोगों को काफी सारे एविडेंस जैसे विक्टिम्स की पिक्चर्स, उनसे रेलिवेंट फाइल्स मिलती हैं, और ये काम किसी और का नहीं बल्कि जिक्सो का था रिज को फंसाने के लिए। और वहीं पर उन लोगों को उस लड़की की डेड बॉडी भी मिल जाती है जिसकी थोड़ी देर पहले डेथ हुई थी, और वो लोग समझते हैं कि रिज भी जिक्सो के गेम का पार्ट। वहीं पर उन लोगों को जिक्सो की एक्स वाइफ भी मिलती है, और ये लोग उससे इंक्वायरी करने लगते हैं। इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए रिज एक होटल में पहुंचता है, जहां पर रिज को जिक्सो के टेप रिकॉर्डर से पता चलता है कि उस होटल का मैनेजर एक अच्छा इंसान नहीं है, बल्कि उसने अपनी लाइफ में काफी क्राइम्स किए, क्योंकि उसने बहुत से लोगों को सेक्सुअली अब्यूज भी किया। और वहीं पर होटल के मैनेजर के क्राइम्स की पिक्चर्स और वीडियोस भी देखने को मिलती हैं, जिसे देखकर रिच को गुस्सा आ जाता है और वो मैनेजर को ट्रैप में फंसा देता है। और वहां पर उस मैनेजर को एक टास्क दिया जाता है कि उसने लिमिटेड टाइम में अपनी दोनों आंखों को फोड़ना होगा, लेकिन लिमिटेड टाइम के मुताबिक वो सिर्फ
एक ही आंख को फोड़ पाता है, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि टाइम अप होने की वजह से वो ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और उसके हाथ और पांव उसकी बॉडी से अलग हो जाते हैं और वो भी मर जाता है। जिक्सो की वाइफ बताती है कि जिक्सो एक सिविल इंजीनियर था और एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ उसकी पार्टनरशिप भी थी। वो बताती है कि वो भी एक क्लिनिक में जॉब करती थी और एक दिन वो जिक्सो के साथ होती है और अपना क्लिनिक बंद करके जा रही थी और तभी उस क्लिनिक में एक चोर आ जाता है। चोरी कर लेने के बाद जब वो वहां से जाने लगता है तब वो डोर जिक्सो की वाइफ के पेट पर मार देता है, जिससे उसका मिसकैरेज हो जाता है और तभी से जिक्सो चेंज हो जाता है और उनकी डिवोर्स हो जाती है। और तभी से जिक्सो लोगों को अपने ट्रैप में फंसाता है और अपने विक्टिम्स के ऊपर गेम खेल। उस होटल को चेक करने पर डिटेक्टिव्स को पता चलता है कि वो एक आदमी आर्ट ब्लैंक के नाम पर रजिस्टर है और ये कोई और नहीं बल्कि जिक्सो का बिजनेस पार्टनर था। और यहाँ पर हैरत की बात ये होती है कि वो भी पिछले कुछ दिनों से गायब था। अब रिच अपने तीसरे टेस्ट को पास करने के लिए एक स्कूल में जाता है जहाँ पर वो पहले भी गया था। वो केस एक छोटी बच्ची का था जहाँ पर उसका फादर उसे अब्यूज करता था, लेकिन रिच इस बात को प्रूफ नहीं कर पाया था। वो इस वजह से क्योंकि उस बच्ची ने अपने फादर के प्रेशर में आकर झूठा बयान दे दिया था। रिच उस बच्चे के पेरेंट्स को देखता है जो दोनों एक दूसरे से स्पाइक्स के जरिए कनेक्टेड थे और इन दोनों में से कोई एक ही बच पाएगा। और यहाँ पर भी जिक्सो रिच को वही बात समझाने की कोशिश करता है, सी व्हाट आई सी, यानी कि उन लोगों को उसी हाल में छोड़कर आगे बढ़ जाओ। लेकिन इस बात पर अमल किए बगैर रिच उस बच्चे की मदर की जान बचा लेता है। वो सीनियर डिटेक्टिव स्कूल में भी पूछताछ करने के लिए आते हैं और स्कूल के एक रूम में वो बिली यानी जिक्सो के पपेट को देखते हैं और करीब आकर चेक करने पर उस पपेट में ब्लास्ट हो जाता है, जिससे वो फीमेल डिटेक्टिव जख्मी हो जाती है। पूछताछ पर जिक्सो की वाइफ बताती है कि स्ट्रेस होने की वजह से जिक्सो ने आर्ट ब्लैंक के साथ काम करना बंद कर दिया था और जब जिक्सो को पता चलता है कि उसे कैंसर है तो वो सुसाइड करने की कोशिश करता है, जिसमें उसका एक्सीडेंट होता है, लेकिन वो फिर भी नहीं मरता, बच जाता है। और बस इसके बाद से ही वो अपना गेम स्टार्ट करता है और लोगों को अपने ट्रैप में फंसाता है। तब वो सीनियर डिटेक्टिव इन सब सबूतों को इकट्ठा करके एक जगह का नाम पता करवाता है जो कि रिच की फाइनल लोकेशन थी। फिर हम एरिक को देखते हैं जिसे एक बहुत बड़े आइस ब्लॉक के ऊपर लटकाकर खड़ा किया गया था। एरिक के साथ ही हॉफमैन को भी बांध के रखा गया था। अगर एरिक आइस के ऊपर से स्लिप हो जाएगा या वो आइस मेल्ट हो जाएगी तो एरिक को फांसी हो जाएगी और उस जगह पर इलेक्ट्रिक शॉक होने की वजह से हॉफमैन भी मारा जाएगा। अब उन दोनों को वहाँ पर जिसने फंसाया हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि जिक्सो का बिजनेस पार्टनर आर्ट ब्लैंक था। लेकिन साथ ही यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात ये होती है कि आर्ट ब्लैंक जिक्सो का क्राइम पार्टनर नहीं बल्कि वो भी उसका एक विक्टिम होता है और उसके भी नेक के पीछे एक डिवाइस लगी हुई थी जो टास्क ना पूरा करने पर उसे मार डालेगी। वो 90 मिनट्स पूरे होने का वेट कर रहा था कि रिक जब 90 मिनट्स पूरे कर लेगा तो वो एक डिवाइस पर लगा हुआ बटन प्रेस करके खुद को और एरिक और उस हॉफमैन को बचा लेगा। लेकिन अगर कोई लिमिटेड टाइम से पहले उस डोर को ओपन कर देगा तब एरिक की दोनों साइड्स पर लगी हुई डिवाइस आपस में कनेक्ट हो जाएंगी और उसके सर के चीथड़े उड़ जाएंगे और उसके साथ साथ हॉफमैन भी मारा जाएगा। इतनी ही देर रिच भी वहाँ पर पहुँच जाता है और एरिक उसे वार्न करता है कि वो उस रूम का दरवाजा ना खोले। आर्ट ब्लैंक ने एक गन एरिक को दी थी और वो उसे रिक पर शूट भी करता है, लेकिन रिच एक सेकंड रहते हुए भी अंदर आ जाता है और उस दरवाजे को खोल देता है, जिससे वो दोनों ट्रैप एक्टिवेट हो जाते हैं और एरिक के फेस को क्रैश कर देते हैं और उसके फेस के चीथड़े उड़ जाते हैं। रिच समझता है कि इस सब के पीछे आर्ट ब्लैंक रिस्पॉन्सिबल है तो वो उस पर भी गोली चला देता है। तब आर्ट ब्लैंक के पास रखा गया एक टेप रिकॉर्डर प्ले होता है और रिच को बताया जाता है कि वो जिक्सो के आखिरी टेस्ट में फेल हो गया है, क्योंकि उसका जो ऑब्सेशन लोगों को बचाने का था वो किसी सेंस में गलत भी था, क्योंकि कुछ ऐसी कंडीशंस भी आ जाती हैं जहाँ पर किसी को बचाना किसी खतरे का मोल लेना होता है। और रिच को ये बात का यकीन दिलाना था कि वो सबकी मदद के लिए नहीं बना और इसीलिए जिक्सो ने उसके लिए ये सारी गेम प्लान की थी और उसको टास्क देकर जिक्सो उसे ये समझाना चाहते थे। लेकिन रिज ने इस गेम से कुछ भी नहीं सीखा, उल्टा वो इस गेम में फेल हो गया, क्योंकि अगर वो वेट कर लेता तो वो खुद भी और उसके साथ साथ एरिक और हॉफमैन भी बच जाते। अब यहाँ पर कहानी में एक नया ट्विस्ट आ जाता है जो कि काफी हैरान करने वाला, और वो ये था कि हॉफमैन अभी भी जिंदा था, यानी जिक्सो का अमेंडा के बाद हॉफमैन ही साथी। हॉफमैन रिच को उसी हालत में मरने के लिए वहाँ पर छोड़कर चला जाता है। लास्ट सीन में हम वही सीन देखते हैं जो हमें मूवी के स्टार्ट में दिखाया जाता है, जहाँ पर जिक्सो का पोस्टमार्टम चल रहा था, यानी ये सब कुछ जिक्सो के पोस्टमार्टम से पहले ही तय हो गया था। और जो टेप रिकॉर्डर जिक्सो के अंदर से मिली थी वो मैसेज डिटेक्टिव हॉफमैन के लिए इसी वजह से था कि डिटेक्टिव जिक्सो के काम को जारी रखेगा, यानी जिक्सो के मरने के बाद भी उसका ये प्रोसेस बंद नहीं होना चाहिए। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।